नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और सीधे चलेंगे जहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर ऐसे शामिल है। जो हमारी निर्वाचन नामावली है वो अंतिम रूप से हमने 8 फरवरी 2024 को जो है प्रकाशित की थी और इसके संबंध में हमने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को जो है 2 प्रतियां इस अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची की उपलब्ध करा दी है। हमारे राज्य में जो है आप सभी इससे वाकिफ है कि 11 लोकसभा क्षेत्रों में से जो 8 लोकसभा क्षेत्र है वहां पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है और 90 विधानसभा क्षेत्रों में से जो है 61 ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहाँ महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। राज्य में कुल मतदाता आज की तिथि में 2,05,13,252 हैं, जिनमें से पुरुष मतदाता 1,01,80,405 है और महिला मतदाता 1,03,32,115 हैं। प्रदेश में जो सेवा मतदाता है वो 19,905 है और ईपी रेशियो जो है 66% है। जो हमारे दिव्यांग मतदाता है 1,91,638 है और तृतीय लिंग के कुल जो है 732 मतदाता पंजीकृत है। 17 प्रवासी भारतीय मतदाता है। राज्य में जो कुल मतदाता है जो प्रथम बार वोट करेंगे ऐसे 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाता जो है वो 5,77,184 है और युवा मतदाता 20 से 29 आयु वर्ग के 47,11,890 है। इसी तरह जो हमारे वरिष्ठ नागरिक है 85 वर्ष से अधिक उम्र के उनमें 82,776 है और शतायु या 100 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता ऐसे 2,855 हैं। इस अंतिम प्रकाशन के बाद भी आज लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा हुई है उसके बाद भी जो है हमारा मतदाता पंजीयन का काम सतत और निरंतर चलता रहेगा और ये नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के अंतिम तिथि तक के अद्यतन होती रहेगी और फिर वहाँ फ्रीज हो जाएगी। तो विगत लोकसभा निर्वाचन 2019 से जो मतदाता की संख्या है वह लगभग 15,14,000 यानी कि 7.96% जो है ये वृद्धि हुई है और विगत अभी विधानसभा निर्वाचन से मतदाता की संख्या में लगभग 1,20,000 की बढ़ोतरी हुई है। जहाँ तक मतदान केंद्रों का सवाल है, सभी मतदान केंद्रों में हमने जो छाया है, पेयजल है, विद्युत है इसकी और रैंप है इसकी मूलभूत और शौचालय व्यवस्था कर दी है। राज्य में कुल मतदान केंद्र जो है 24,109 रहेंगे और साथ में हमने इस बार जो है जो विधानसभा में नहीं था वो 120 ऑक्सिलरी या सहायक मतदान केंद्र भी बढ़ा दिए हैं। तो कुल मतदान केंद्रों की संख्या में इजाफा हुआ है और अब 24,229 हो गए हैं। आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदान केंद्र में हम जो है मतदान सहायता बूथ यानी कि वोटर असिस्टेंस बूथ भी हम सेटअप करेंगे। राज्य में लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है 10-10 संगवारी या पूर्ण रूप से महिलाओं के द्वारा संचालित ऐसे मतदान केंद्र भी रहेंगे। तो राज्य में कुल ऐसे मतदान केंद्र 900 होंगे। इसके साथ ही 450 आदर्श मतदान केंद्र रहेंगे जहाँ पर हम लोगों ने व्यवस्था की है कि जो पूरा वोटिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी डिलाइटफुल, काफ़ी सुगम और सहज रहे सभी मतदाताओं के लिए। 90 ऐसे हमारे पोलिंग बूथ रहेंगे जहाँ पर कि पूर्ण रूप से दिव्यांगजनों के द्वारा वो मतदान दल रहेगा संचालित और 90 यूथ यानी कि युवा मतदाता, युवा जो हमारे मतदान कर्मी हैं उनके द्वारा संचालित मतदान केंद्र रहेंगे। सभी मतदान केंद्रों में वरिष्ठ जनों और बुजुर्गों के लिए और दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए हमने मतदान मित्रों की भी आवश्यक व्यवस्था और दिव्यांग रथ की आवश्यक व्यवस्था की है और सभी मतदान केंद्रों में जो अधिकतम मतदान मतदाताओं की संख्या है वो 1,500 रखी गई है।
अब डाक मत पत्र की व्यवस्था विधानसभा में आपने देखी कि होम वोटिंग भी हमने करवाया है और इसका भी अच्छा खासा जो है हमें प्रतिसाद मिला है। इस बार एक छोटा सा संशोधन जो हुआ है कि वरिष्ठ नागरिक को जो कि एलिजिबल रहेंगे, पात्रता जिनकी रहेगी घर से वोटिंग करने की, वो 80 से 85 वर्ष बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ जो 40% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन है, 40 अथवा 40 से अधिक और COVID-19 के संदिग्ध संक्रमित मतदाता, ऐसे सभी को जो है प्रारूप 12 घ में अपने आवेदन करने हैं निर्वाचन की अधिसूचना के 5 दिवस के अंदर अंदर, और इसको रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने हैं, हमारे जो 11 रिटर्निंग अधिकारी है, और आवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही जो है पूरी व्यवस्था हमारे जो मतदान दल है विशेष रूप से बनाए जाएंगे, ये घर घर जो है जाकर होम वोटिंग पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतपेटी में करवाएंगे। इसके अलावा राज्य के जो सेवा मतदाता हैं उनको ETPBSA ने इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट से मतों को रिकॉर्ड किया जाएगा, और निर्वाचन ड्यूटी पे जो कार्यरत कर्मचारी है इनको डाक मतपत्र के माध्यम से प्रारूप 12 में आवेदन करने पर विहित सुविधा केंद्र, जैसे विधानसभा में व्यवस्था थी वैसे ही जो डेजिग्नेटेड विशेष पोलिंग बूथ बनाया गया है इनके लिए जो ट्रेनिंग सेंटर के परिक्षेत्र में ही है, वहाँ पर उन्हें वोटिंग करना होगा। और लोकसभा में कार्यरत सभी निर्वाचन कर्तव्य सभी निर्वाचन कर्मिकों को हम एडिशनली EDC के माध्यम से भी यदि वहाँ पर व्यवस्था है तो इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट भी उनको जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से फिर वो पोलिंग बूथ पर EVM से भी वोट कर सकते हैं। तो दो में से एक विकल्प जो है उपलब्ध हमेशा रहेगा, और अनिवार्य सेवा की श्रेणी में एसेंशियल सर्विसेज के जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए डाक मतपत्र की सुविधा रहेगी। इसके लिए भी जो विशेष रूप से जिला स्तर पर एक पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित होगा और वहाँ से फिर वो मतदान कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र के लिए व्यवस्था ये रहेगी कि जो हमारे 11 रिटर्निंग अधिकारी हैं उनके अधिसूचित कार्यालयों में ही जो है ये नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। और दो मुख्य बातें इसमें हैं, एक तो नाम निर्देशन पत्र जब अभ्यर्थी अपने नामांकन कक्ष में प्रवेश करेंगे जमा करने के लिए तो उनके साथ कुल 5 व्यक्ति ही उपस्थित रह सकते हैं, और नाम निर्देशन केंद्र के 100 मीटर के परिधि में केवल 3 वाहनों को एंट्री की सुविधा रहेगी, और ऑनलाइन भी नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकते हैं, परंतु शपथ जो है लेनी है तो वो जो निष्पादन है उसका वो व्यक्तिशः ही करना होगा रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष। इसके अलावा जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनको अपने संपत्ति, देनदारियों और आपराधिक पूर्ववृत्ति के संबंध में भी और उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में भी शपथ पत्र संलग्न करना होगा निर्धारित प्रारूप में। जहाँ तक प्रचार प्रसार की बात है, राज्य में बृहद जो है स्वीप अभियान कार्यक्रम संचालित है जन जागरूकता के लिए मतदाताओं के बीच में, और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगी कि निर्भीक होकर निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य रूप से आप करें। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को जो है वो भी मेरी अपील रहेगी कि सभी मतदाताओं के बीच में इस जन जागरण कार्यक्रम को आप संचालित करें, चलाएं और अधिक से अधिक जो है मतदान का प्रतिशत बढ़ाएं। जहाँ तक आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होने का विषय है तो सबसे पहले तो संपत्ति विरूपण के संबंध में जो 24 घंटे में सभी शासकीय भवनों से और 48 घंटों में सार्वजनिक संपत्तियों से और 72 घंटे में निजी संपत्तियों से जो विरूपण हटाने की कार्रवाई है वो प्रारंभ हो गई है, और सभी जगह से जो है वो जो छोटे छोटे उड़न दस्ते बनाए गए हैं इनके माध्यम से जो है ये कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा आधिकारिक रूप से जितने भी शासकीय वाहन हैं उनका उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, किसी भी प्रकार के राजनीतिक गतिविधि या प्रचार प्रसार में। सरकारी खर्चे पर विज्ञापन पर पूर्णतः रोक रहेगी, और आयोग के निर्देश अनुसार चुनाव के दौरान
सरकारी खर्चों पर समाचार पत्रों या अन्य किसी मीडिया या आधिकारिक मीडिया में प्रचार प्रसार, विज्ञापन, राजनीतिक समाचारों के पक्षपातपूर्ण प्रकाशन प्रसारण और सरकारी उपलब्धियों के प्रचार नहीं किया जाएगा और शासकीय खर्चे पर लगाए गए सभी होर्डिंग्स को तत्काल हटवाया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए जो वाहनों की अनुमति है वो आयोग के द्वारा सीईओ कार्यालय स्तर पर और डीईओ कार्यालय स्तर पर दी जाएगी और कोई भी वाहन जो कि चुनाव प्रचार में लगा है वो बिना अनुमति या बिना व्हीकल परमिट के संचालित नहीं रहेगा। जो भी वाहन बिना परमिट के, जो कि वाहन में उसके विंडशील्ड पर चस्पा रहेगा, यदि नहीं रहता है तो उसको तत्काल जब्त करने की कार्रवाई हम करेंगे। तो जहाँ तक अभ्यर्थियों का सवाल है, उनको मतदान दिवस छोड़कर सभी समय जो है वाहनों की संख्या पर कोई भी सीमा नहीं है, तो हम जितने वो वाहन चाहते हैं उसका व्हीकल परमिट अवश्य रूप से देंगे। मतदान दिवस पर मात्र ये लिमिट तय की गई है कि अभ्यर्थी को एक, उसके अभिकर्ता को एक और जो कार्यकर्ता है उनको विधानसभा वार जो है एक एक वाहन दिया जाएगा। तो मान लीजिए कोई लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं हैं तो 8 वाहन प्लस अभ्यर्थी और अभिकर्ता का एक एक, ऐसे 10 कुल वाहनों की हम अनुमति देंगे। सरकारी वाहनों के उपयोग किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं होगा, इस पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होगी यदि ऐसा होता है तो। जहाँ तक वीडियो मैंस है, स्टार प्रचारकों के लिए वाहन है, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के राज्य स्तर पर पदाधिकारी हैं उनके वाहन हैं जो कि अधिकतम हम 3, और राजनीतिक दलों के प्रचार सामग्री के वितरण के लिए पूरे राज्य हेतु 4 वाहन प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए रहेगा। तो इस तरीके की सभी वीडियो वाहन और ये सभी प्रकार के वाहनों का जो अनुमति है वो सीईओ कार्यालय से प्राप्त होगा। और जहाँ तक हेलीकॉप्टर और वायुयान की अनुमति है तो इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अपने क्षेत्र के अंतर्गत इसमें परमिट देने के लिए और NOC जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी रहेंगे। सभाओं के लिए जो है जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा पहले आओ पहले पाओ इस सिद्धांत के आधार पर जो है अनुमतियाँ दी जाएगी, और रैलियों के लिए और रोड शो के लिए भी जो है इसी प्रकार की अनुमतियाँ रहेंगी। अधिकतम 10 वाहनों की दशा मतलब अधिकतम 10 वाहन रोड शो के लिए रख सकते हैं। उससे अधिक यदि वाहन होते हैं तो फिर हर 10 वाहनों को टुकड़ियों में बांटा जाएगा और 100 मीटर का इनका दूरी की जाएगी, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अधीन जो है लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति दी जाएगी, जो कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में टोटली प्रतिबंधित रहेगा। और जो अस्थाई प्रचार कार्यालय है हमारे राजनीतिक दलों के और अभ्यर्थियों के, उनके संदर्भ में भी जो निर्देश ये है कि कोई भी धार्मिक भवन को नहीं दिया जाएगा और मतदान केंद्र के समीपस्थ 200 मीटर तक के ऐसे अस्थाई प्रचार कार्यालय स्थापित नहीं होंगे। शैक्षणिक संस्थाओं या अस्पतालों के भवनों में भी जो है अस्थाई प्रचार कार्यालय संचालित नहीं हो सकते। किसी प्रकार के शासकीय भवन में भी ये संचालित नहीं हो सकते हैं। अब एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो 95 लाख प्रति लोकसभा क्षेत्र जो है वो अधिकतम व्यय की सीमा रहेगी, और जैसे ही निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी की घोषणा होती है और उसका नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत होता है तो उसको एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक में अपना पृथक बैंक खाता खोलना होगा, और उसके बाद जो है अपने जितने भी व्यय है वो इसी बैंक अकाउंट से उसको व्यय करना होगा, और परिणाम की घोषणा तक जो है उसको 3 बार इसको हमारे जो व्यय प्रेक्षक है जिला निर्वाचन अधिकारी है इनके समक्ष में अपने व्यय लेखा को जो है निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा। परिणाम घोषणा के 30 दिवस के भीतर अभ्यर्थी को अपने संपूर्ण लेखा विवरण को जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, यदि नहीं करते तो फिर 3 साल के लिए वो अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। इसी तरह आपराधिक पूर्ववृत्ति यदि किसी अभ्यर्थी का है तो निर्धारित प्रारूप में नाम वापसी के पश्चात मतदान दिवस के 2 दिवस पूर्व तक 3 बार समाचार पत्र एवं टेलीविजन में उसके आपराधिक मामलों के विषय में उसे प्रकाशन या प्रसारण करना होगा, और ऐसे नाम वापसी के अंतिम दिन में जो प्रकाशन करना होगा ये 3 बार करना होगा। एक तो जो नाम वापसी की अंतिम तिथि से 4th दिन में सबसे पहला प्रकाशन होगा, फिर लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन
ऑफ विड्रॉल से अंतिम दिन के फिफ्थ से एट्थ डे के बीच में द्वितीय प्रकाशन होगा और लास्ट रेट ऑफ विड्रॉल के अंतिम दिन के नाइन्थ डे से प्रचार के अंतिम दिन तक, यानी प्रचार प्रसार का अंतिम दिन होता है 48 आवर्स फ्रॉम पोल डे, ये तीसरा प्रकाशन होगा। तो ऐसे तीन बार जो प्रकाशन है वो करना आवश्यक है किसी भी समाचार पत्रों में अथवा टेलीविजन पर। अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें भी सोशल मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी को भी यदि कोई इस तरह के अभ्यर्थी को वो खड़ा करते हैं तो इसके बारे में प्रकाशन करना अनिवार्य है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अधीन। जहाँ तक मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति की बात है तो लोकसभा में ये व्यवस्था विधानसभा से थोड़ी पृथक रहेगी। वो इस तरह से कि जितना भी मीडिया सर्टिफिकेशन है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम करते हैं, जिसमें कि टीवी चैनल, केबल टीवी, रेडियो, ई समाचार पत्र, बल्क SMS, वॉइस मैसेज और सोशल मीडिया वेब पेजेस, ये सभी में जो है प्री सर्टिफिकेशन का काम केवल लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर जो MCMC कमेटी गठित है उसके द्वारा किया जाएगा। बाकी जितने पेड न्यूज़ की शिकायतें हैं या जो भी हमारे मीडिया मॉनिटरिंग से संबंधित भ्रामक फेक न्यूज़ के बारे में मॉनिटरिंग है वो जिला स्तर पर कायम रहेगी। जो प्रिंट मीडिया में प्रमाणन या प्री सर्टिफिकेशन होता है 48 आवर्स पहले, वो भी जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र रिटर्निंग ऑफिसर स्तर पर जो MCMC कमेटी स्थापित है उसी के माध्यम से होगा, न कि जिला स्तर पर होगा। निर्वाचन संबंधी किसी भी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम, पता एवं मुद्रित संख्या का उल्लेख होना आवश्यक है। राज्य में जो लोकसभा निर्वाचन में वोटिंग होगी वो EVMs के माध्यम से होगी और राज्य में पर्याप्त संख्या में हमने EVMs और VVPAT जो है वो उनका फर्स्ट लेवल चेकिंग हमने कर लिया है और स्टॉकिंग कर लिया है। इसके बाद जो है वो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की घोषणा होने के तत्काल बाद EVM की कमीशनिंग सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति में होगी। और मेरी अपील सभी राजनीतिक दलों से रहेगी कि उनके जो अभ्यर्थी हैं निर्वाचन लड़ने वाले उनके बीच में ये जो EVM की प्रचलन प्रणाली है उससे वो प्रोत्साहित करें, वो अवगत हो ताकि EVM की निष्पक्ष कार्य प्रणाली के प्रति वो संतुष्ट हो सके। और मतदान ही तो EVM मशीन तैयार करते समय भी जो रैंडम रूप से चयनित EVM मशीनों पर अभ्यर्थी की उपस्थिति में मॉक पोल अवश्य रूप से कराया जाएगा और जिसमें भी वो मैं अपील करना चाहूँगी कि उनकी उपस्थिति रहेगी तो और आपका जो उस पर कॉन्फिडेंस जो है बेहतर रहेगा। जहाँ तक IT एप्लीकेशंस और मतदाताओं के लिए निष्पक्ष चुनाव और चुनाव से संबंधित प्रलोभन अथवा किसी भी प्रकार की शिकायतों की बात है तो आयोग ने सी विजिल नामक ऐप लॉन्च किया है और इसको अब और सुदृढ़ किया गया है। सी विजिल ऐप में जितने भी नागरिक हैं वो आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की शिकायत की फोटोग्राफ्स अथवा वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ऑडियो भी कोई फाइल है तो उसे अपलोड कर सकते हैं, यदि गोपनीय रूप से अपलोड करना चाहे तो भी कर सकते हैं। आयोग इन सभी मामलों में प्रतिबद्ध है कि 100 मिनट के अंदर जो है इन मामलों का वो अपने उड़नदस्तों और मजिस्ट्रेट्स के माध्यम से तत्काल निराकरण करें। मैं बताना चाहूँगी विधानसभा में लगभग 5,690 ऐसे सी विजिल एप्लीकेशंस के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हुई थी और हमने सभी का संतोषपूर्ण निपटारा या निष्पादन हमने किया है।